हेलो गाइस, तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा ये अर्थ एंड एम प्लांट। तो काफ़ी इसका यूनिक सा कलर है, ब्यूटीफुल लीव्स निकलती हैं और प्रोपोगेशन मेथड भी बहुत इजी है इसका। तो एरेथ्रम कहते हैं इसे। एंड एक्चुअली ये प्लांट काफ़ी बुशी बन जाता है, काफ़ी ह्यूज प्लांट होता है ये। तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉट काफ़ी छोटा है, तो उसके एज़ पर ये इतनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो मैं ऐसे बड़े पॉट में 10 इंचेस के पॉट में मैं ऐसे रिपोर्ट करने लगी हूँ, और प्रोपोगेशन मेथड भी आपके साथ मैं इसका शेयर करूँगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जितनी न्यू लीव्स निकलती हैं वो काफ़ी शाइनी होती हैं, तो अगर हम इसे प्रॉपर मिस्टिंग करेंगे तो काफ़ी शाइनी लीव्स हो जाती हैं इसकी, क्योंकि इस वे में जब डस्ट पड़ जाती है तब थोड़ी सी डल लगने लग जाती हैं, अदरवाइज़ काफ़ी शाइनी लीव्स होती हैं और काफ़ी कलर्स में आते हैं ये प्लांट्स। और मेन आपने पार्क्स में गार्डन्स में देखा होगा कि मोस्टली ये प्लांट पाया जाता है, तो वहीं से हम थोड़ी बहुत कटिंग ले सकते हैं इसकी 4-5 इंचेस की। और बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत जल्दी रूटिंग इसकी हो जाती है स्टार्ट। और अगर हम इसे लाइट के बारे में बात करें इसकी, तो ब्राइट लाइट और फुल सनलाइट में भी हम इसे रख सकते हैं, लेकिन इंडोर प्लांट नहीं है ये, आउटडोर प्लांट है, तो इसे शेडी एरिया इतना नहीं पसंद। अगर हम इसे सनलाइट प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे 3-4 घंटे की सनलाइट ही हो, लेकिन सनलाइट में इसका कलर भी अच्छा निखर के आता है, और इस ये प्लांट ही मेनली सनलाइट का है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, काफ़ी बुशी प्लांट बन जाता है, बहुत सारी स्टेम्स निकलती हैं। लेकिन इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, जितनी हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, ऊपर से पिंचिंग करेंगे, उतना ये बुशी प्लांट बनता है। और वाटरिंग की, वाटरिंग हमें सिर्फ देके करनी है, बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, एक हफ्ते के बाद भी हम इसे पानी डाल सकते हैं, इतनी पानी की नहीं ज़रूरत, बस थोड़ा मॉइस्ट रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं है ज़रूरत इसे। और अब इसे हम बड़े पॉट में शिफ्ट कर लेते हैं। और जो दूसरी इसकी वेराइटीज़ आती हैं वो पर्पल पिंकिश सा कलर होता है, ऑरेंज सा कलर, काफ़ी सुंदर प्लांट होता है वो भी, तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर भी कीजिए, और टाइमली नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और अब इसकी रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल मिक्सचर तो वही सेम, ऐसी मिट्टी चाहिए हमें जो कि जल्दी पानी, जिसमें ड्रेन आउट हो जाए, पानी रुकना नहीं चाहिए। तो इसमें मैंने पानी पहले डाल दिया था, तो इसलिए निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा। इतना इजी भी नहीं है। थोड़ा सा इससे हिला लेंगे, तो जितना बड़ा पॉट होगा उतनी प्लांट की ग्रोथ होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, सनलाइट इसे बहुत पसंद है, तो डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं हम इसे। तो निकाल के देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल पानी नहीं है मिट्टी में, बहुत ज़्यादा सोगी नहीं है बिल्कुल, बस सिर्फ मॉइस्ट है। तो इसीलिए जितना भी प्लांट की इसका एरिया था उसके हिसाब से, डायमीटर के हिसाब से प्लांट अच्छा ग्रोथ कर रहा था। तो रूटिंग आप देख ही सकते हैं, वैसे मैं रूट्स काटती होती हूँ, लेकिन इसकी इतनी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं बढ़ी हैं इसकी। देखिए थोड़े दिनों के बाद मैं इसका अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो काफ़ी और बुशी बन जाएगा प्लांट ये। अब सही लग रहा है।